हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फ्यूल पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म। फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हम देखे थे फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होती है, फ्लूइड क्या होता है और मैकेनिक्स क्या होती है। उसका जो बेसिक फ्लेवर था आपका, कि जो फ्लेवर सभी एग्जाम के लिए कंसिडर करके डिजाइन किया गया था, उस फ्लेवर को हम डिस्कस किए थे। इसके साथ क्या इम्पोर्टेंस है उसको भी हम डिस्कस किए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का चैप्टर 1, और चैप्टर 1 है आपका। चैप्टर 1 में हम पढ़ेंगे फ्लूइड प्रॉपर्टीज। फ्लूइड में बेसिकली दो चीज़ें आती हैं, लिक्विड आता है और क्या आती है, लिक्विड प्लस गैस। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है, इनको स्टडी करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी चीज़ आप फ्लूइड मैकेनिक्स में एंट्री कर रहे हैं, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स को जानना चाहते हैं, तो किसी भी चीज़ को जानने के लिए, किसी भी इंसान को आप जानना चाहते हैं कोई इंसान एक काम कर पाएगा कि नहीं, तो उसकी प्रॉपर्टी, उसकी योग्यता, एलिजिबिलिटी, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक उसी तरीके से फ्लूइड को समझना है तो उसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। जो फ्लूइड की पहली प्रॉपर्टी है वो है उसकी डेंसिटी। क्या है? डेंसिटी। तो जो फ्लूइड की पहली प्रॉपर्टी है वो है उसकी डेंसिटी। तो डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। किससे? रो से। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये तो बेसिक सी इसकी फार्मूला है कि डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में वाटर भरा हुआ है। ये इसका फ्री सरफेस है, ये इसका फ्री सरफेस है, और इस फ्री सरफेस में यहाँ तक वाटर भरा हुआ है, यहाँ तक वाटर भरा हुआ है। ये इसका फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस, और ये आपका कंटेनर है। क्या है? कंटेनर है। और इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है, वो है 1 m³। इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है। जनरली जो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लिक्विड की बात करेंगे, वो लिक्विड आपका क्या होगा? वाटर होगा। क्या होगा? वाटर। तो यहाँ देखिए, गैस की बात करेंगे तो एयर होगी। क्या होगी? एयर। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है जिसकी हमें डेंसिटी पता करनी है। कुछ प्रॉपर्टी इस लिक्विड की, इस वाटर की हम प्रॉपर्टी जानना चाहते हैं, जिसमें फिर हम जानेंगे कि डेंसिटी क्या होती है। ये फ्री सरफेस क्या होता है इसको हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन आप इतना जानिए कि ऊपर वाटर और नीचे पानी, नहीं सॉरी, ऊपर एयर और नीचे वाटर, वाटर और एयर के बीच की जो सरफेस होती है दैट इज कॉल्ड फ्री सरफेस। फ्री सरफेस क्या होता है? लेयर बिटवीन, या फिर एक सरफेस, एक कोई लेयर जो एयर और वाटर के बीच में होती है, वो क्या होती है आपकी? फ्री सरफेस। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। यदि हम बात करें डेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। डेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन क्या होती है? पहली बात तो एमकेएफ सिस्टम में देख लीजिए। एमकेएफ सिस्टम क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। इस सिस्टम में यदि हम बात करें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो मास का क्या हो जाएगा? किलोग्राम, और वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब में। तो किलोग्राम अपन मीटर क्यूब, ये होता है एमकेएफ सिस्टम में। एमएलटी सिस्टम में बात करें तो एमएलटी सिस्टम क्या होता है? मीटर लेंथ टाइम, मीटर लेंथ टाइम। तो आपका जो किलोग्राम है वो किलोग्राम किसमें हो जाएगा? किलोग्राम का हो जाएगा कैपिटल एम, और मीटर किसकी यूनिट होती है? लेंथ की, तो एल का क्यूब हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एम एल पावर -3। ये हो जाएगा किसमें? ये हो जाएगा आपका एमएलटी सिस्टम में। ये होता है मास, लेंथ और टाइम, मास लेंथ और टाइम। तो किसमें? कैपिटल एम में है। ओके, यदि हम बात करें फिजीएफ सिस्टम में, किसमें? फिजीएफ सिस्टम में, तो फिजीएफ सिस्टम में क्या हो जाएगा?
सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिखेंगे ग्राम, और आपका जो मीटर क्यूब है हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, किसमें हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ये किसमें हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में, ग्राम अपान सेंटीमीटर क्यूब। यदि फिजिया सिस्टम को हम कन्वर्ट करना चाहें किसमें, एमकेएफ में, तो ग्राम को क्या लिख सकते हैं किलोग्राम में और सेंटीमीटर को मीटर में। तो एक चीज बताइए आप हमें कि एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम हो जाएंगे, 10^-3 किलोग्राम। बेसिक सा कन्वर्जन तो आता ही होगा आपको, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे, 10^-2 मीटर, ये तो पता है। तो इस वैल्यू को आप पुट कीजिए, तो यहाँ पर आप पुट कर रहे हैं एमकेएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 10^3 किलोग्राम हो जाएगा, 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10^3 है ना, 10^3 किलोग्राम किस में हो जाएगा, माइनस में है, 10^-3 किलोग्राम अपान 1 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 10^-2 मीटर, और पावर क्या है 3, ये हो जाएगा 10^-3 किलोग्राम अपान 10^-6 kg, 10^-6 m³। तो क्या हो जाएगा, अब ये देखिए 10^-3 फिर 10^-3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 1/10^3 किलोग्राम अपान पर मीटर क्यूब। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 1/10^3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब था, इसका मतलब क्या हुआ, ये माइनस में है ना, ध्यान रखना माइनस में है, मतलब 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और किलोग्राम पर मीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, एम के एफ में है ना, किस में है, एम के एफ में। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 1 CGF इज इक्वल टू 1000 MKF, ये क्या है आपका MKF, और जो हम कन्वर्ट कर रहे थे यहाँ से हम निकाले हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब क्या हुआ, 1 CGF इज इक्वल टू 1000 MKF, ये डायरेक्ट फार्मूला एग्जाम में आया हुआ है आपके व्यापम में, तो इसको ध्यान में रख लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम आपको प्रूफ करके भी बता चुके हैं। वन CGF इज इक्वल टू 1000 MKF, फिर रिवीजन कर लीजिए एक बार क्विकली इसका, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास का मतलब होता है किलोग्राम और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर आपका सिलेंडर था, कंटेनर था, इस कंटेनर में लिक्विड यानी वाटर भरा हुआ था, हम इसकी डेंसिटी निकालना चाहते थे, तो वॉल्यूम पता था, मास पता था, फार्मूले में पुट कर देंगे और आसानी से निकाल लेंगे। इसके डायमेंशन की बात करें तो एम के एफ में क्या होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एम एल टी सिस्टम में m/L^3 ये निकाल लेंगे यार, बेसिक सा है, फिजिया सिस्टम में निकाल लिए, और फिजिया सिस्टम में निकालने के बाद एक कन्वर्जन कर दिए, कहीं डाउट हो तो रिपीट कर लो, सिंपल है। अब कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जो वाटर के बारे में है, जो कि जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्लूड मैकेनिक्स में जो फ्लूड होगा जनरली हम वाटर की ही बात करेंगे, जब वाटर की बात करेंगे तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है जो वाटर के बारे में है, उसको जानना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं टाइप करके लिख दिया हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए, तो ओके, ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू वाटर। पहला पॉइंट क्या है कि जो डेंसिटी होती है वाटर की, डेंसिटी होती है वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है, कितनी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये इम्पोर्टेंट है, कब होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर, कितनी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो होती है जनरली 997 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, आपको दिख नहीं रहा होगा, 997 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है जनरली 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी, लेकिन कैलकुलेशन पर्पज के लिए कई बार हम 1000 टिक कर लेते हैं। ओके, यदि आपको ऑप्शन में ए दिया हुआ है तो ये करेक्ट होगा। दूसरी जानकारी क्या है कि
डेंसिटी ऑफ वाटर 997 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब को क्या लिख सकते हैं, मीटर क्यूब को क्यूबिक मीटर में। जब वाटर, वाटर को यदि हम गर्म करते हैं तो कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वो बॉयल करेगा, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो बॉयलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का, मतलब वाटर जब जमने लग जाता है, फ्रीज होने लग जाता है, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 18.01528 ग्राम मोल। कितना होता है, 18.01528 ग्राम पर मोल। इन चीज़ों को याद रख लेना। इसके अलावा कुछ डेंसिटी है जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की है, उनको देखिए। डेंसिटी कितनी होती है मरकरी की, ये होती है 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ एयर कितना होता है, ये होता है 1.225 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्यूबिक मीटर को हम लिख सकते हैं मीटर क्यूब। सी वाटर समुंदर का पानी है, तो समुंदर के पानी की डेंसिटी कितनी होती है, वो होती है 1.0273 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑयल जो होता है, मोस्ट ऑफ द जो ऑयल होते हैं भाई, देखो तेल जो होता है, ऑयल कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मोस्टली डेंसिटी होती है मोस्ट ऑफ द ऑयल की 700 से लेकर 950, 700 to 950 इसकी रेंज में होता है। आइस की जो डेंसिटी होती है वो होती है 917 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये जो हम टाइप करके लिखे हैं या फिर जनरली क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इन चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो आप इनको नोट कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे आगे चल के और एग्जाम के लिए भी। अब कुछ जानकारी है, देखो जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे, जो भी हम पढ़ेंगे वो हम लिक्विड और गैस दोनों के लिए पढ़ेंगे। कोई भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो लिक्विड और गैस दोनों के लिए पढ़ेंगे। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है लिक्विड के लिए, और लिक्विड में कौन सा है, वाटर, मोस्टली वाटर की ही बात करते हैं। तो नोट का कुछ ये सेकंड नोट है आपका, इसमें क्या बोला गया है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड जनरली डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर एंड टेम्परेचर। एक कंटेनर में पानी भरा हुआ है, अब इसका पानी आपको टेम्परेचर भी बढ़ा दें या फिर प्रेशर बढ़ा दें, टेम्परेचर घटा दें या फिर प्रेशर घटा दें, तो टेम्परेचर और प्रेशर पर उसकी डेंसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड जनरली डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर एंड टेम्परेचर। जो लिक्विड होता है, लिक्विड की जो डेंसिटी होती है, लिक्विड अर्थात वाटर, हम वाटर की बात करेंगे, तो वाटर की जो डेंसिटी होती है टेम्परेचर एंड प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती। थोड़ा बहुत चेंज होती है जो कि नेग्लिजिबल होता है, मतलब बहुत कम होता है। इसलिए हम कह सकते हैं जब उसकी डेंसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो हम कह सकते हैं लिक्विड इज अ इनकम्प्रेसिबल फ्लूड। कैसा है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूड। देखो फ्लूड दो टाइप के होते हैं, कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल। तो कंप्रेसिबल फ्लूड वो होता है जो कंप्रेस हो सकता है, कंप्रेसिबल फ्लूड भी होता है, कंप्रेसिबल फ्लूड भी होता है, और आपका इनकम्प्रेसिबल भी होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। कंप्रेसिबल उसको हम कहते हैं जो कंप्रेस हो सकता है, और इनकम्प्रेसिबल वो होता है जो कंप्रेस नहीं हो सकता। तो जो लिक्विड होता है, लिक्विड की डेंसिटी को टेम्परेचर एंड प्रेशर पर डिपेंड ही नहीं करती, तो इन्हें डेंसिटी चेंज नहीं होती। डेंसिटी चेंज नहीं होगी तो क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लूड होगा। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी किसके बारे में, ये थी डेंसिटी के बारे में। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए हैं, तो देख लो क्वेश्चन इस टाइप से आए हुए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। वन मिनट, तो जो पहला क्वेश्चन आया हुआ है आपके व्यापम सब इंजीनियर, जो मध्य प्रदेश स्टेट में जो एग्जाम होता है आपका, कौन सा एग्जाम, व्यापम सब इंजीनियर का, जो अभी आपके दिसंबर में होने वाला है। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था द प्योर वाटर फ्रीजेस इट, जो वाटर होता है कब फ्रीज करता है, कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फ्रीज करता है। अभी अभी हम आपको बताए हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल करता है। मेल्टिंग पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, कब होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया है
द रेशियो ऑफ द मास ऑफ अ फ्लूड टू इट्स वैल्यूम इज नोन एज, मतलब क्या हुआ, मास और वैल्यूम, कोई फ्लूड है यदि उसका रेशियो दिया है आपको मास पर यूनिट वैल्यूम, तो क्या होता है वो डेंसिटी होती है, क्या होती है मास डेंसिटी, डेंसिटी को दूसरा नाम क्या होता है मास डेंसिटी। तो द रेशियो ऑफ द मास ऑफ अ फ्लूड टू इट्स वैल्यूम, कोई फ्लूड है उसका मास दिया हुआ, उसका वैल्यूम दिया है, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, वो होता है मास डेंसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक वेट, वेट डेंसिटी, आगे हम डिस्कस करेंगे इनकी प्रॉपर्टी को भी। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू, जो वाटर होता है उसकी डेंसिटी कब होती, क्या होती है, आरआरबी जे 2012 में क्वेश्चन आया हुआ था, इतना है जी, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, कितना होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर इसको लिख सकते हैं 10^3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर लिखा रहेगा 1/10^-3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लिखने के अपने अपने तरीके हैं, सिंपल सी बातें हैं। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आप मेरे को बताओ कि द वाटर हैज इट्स मैक्सिमम डेंसिटी, पानी की मैक्सिमम डेंसिटी कब होती है, वो होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर, कब होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो डेंसिटी से एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, लेकिन अगली प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद उसको हम डिस्कस करेंगे। ये तो बात हुई किसकी, जो डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो हम लिक्विड की बात कर चुके हैं, लिक्विड की डेंसिटी के बारे में बात किए हैं अभी तक। अब हम बात करेंगे जो, क्योंकि फ्लूड में लिक्विड भी आता है और गैस भी आती है, तो गैस की डेंसिटी क्या होती है उसकी बात हम करेंगे। अब गैस की डेंसिटी क्या होती है उसकी बात करेंगे। तो गैस की डेंसिटी के लिए आप टॉपिक में लिखिए डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस। एक बार वीडियो को प्रॉपरली देखिए, सारी चीज़ें आपको एक बार में समझ में आ जाएंगी, बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन केयरफुली देखना पड़ेगा। डेंसिटी ऑफ गैस, तो डेंसिटी ऑफ गैस को जानने के लिए एक इक्वेशन आप पढ़े होंगे, आइडियल गैस इक्वेशन, क्या पढ़े होंगे, आइडियल गैस इक्वेशन। ये क्या होती है आपकी, ये होता है पी वी इज इक्वल टू एन आर यू टी। एक चीज़ आपको क्लियर कर दें कि फ्लूइड मैकेनिक्स में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है वैल्यूम, वैल्यूम, दूसरा होता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हम वी से लिखेंगे, किससे, वी से, और वैल्यूम को हम लिखेंगे वी करके ऐसे कट मार देंगे, ये क्या होगा आपका वैल्यूम। तो जहाँ भी हम इस तरीके से लिखेंगे, ये अपना तरीका है रिप्रेजेंट करने का, ये होता है वैल्यूम, ये होगा वेलोसिटी। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर यू टी, और ये क्या है, पी क्या है, पी आपका है प्रेफर, क्या है प्रेफर, वी क्या है आपका वैल्यूम, क्या है वैल्यूम, एन क्या है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी क्या है आपका टेम्परेचर, टी क्या है टेम्परेचर। ए है पी वी इक्वल टू एन आर यू टी, तो आर यू जो होता है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी एक वैल्यू होती है, वो क्या होती है, वो वैल्यू होती है आर यू इज इक्वल टू 8.314 किलो जूल अपन किलो मोल इंटू केल्विन, 8.314 किलो जूल अपन किलो मोल इंटू केल्विन। इस चीज़ को ध्यान रख लेना, डायरेक्ट एग्जाम में आता है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 8.314 किलो जूल अपन किलो मोल इंटू केल्विन। तो आप ये बताओ, हम तो एक सिविल इंजीनियर हैं यार, हम एक एक मोल को कैसे गिनते फिरेंगे, इतना तो टाइम मेरे पास होता नहीं। तो हम ज़्यादातर बात करते हैं मास के रिस्पेक्ट में, किस में, मास के रिस्पेक्ट में। तो हम जो इक्वेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, कौन सी इक्वेशन पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मास वाली, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, एम आर टी, इस चीज़ को हम पढ़ते हैं, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी। पी क्या है प्रेफर है, वी है वैल्यूम, एम का मतलब होता है मास, क्या है मास, और यहाँ वहाँ पास आर यू था, यहाँ है आर, आर होता है करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, पी एच ए आर ए सी टी ई आर एफ टी आई सी, करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, और टी क्या है, वही टेम्परेचर है, टी क्या है आपका टेम्परेचर है। तो पी वी इज इक्वल टू एम आर टी,
इसको हम क्या लिख सकते हैं, और पी वी इज इक्वल टू एम आर टी होता है, तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वाई वी आर टी। अभी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि एम अपान वी क्या होता है, रो होता है, डेंसिटी होता है, यानी पी बराबर क्या हो जाएगा, रो आर टी, रो आर टी। इस रिलेशन को ध्यान में रख लेना, पी इज इक्वल टू रो आर टी। तो आर क्या होता है, आर होता है आपका आर यू बाई एम, आर यू बाई एम। आर यू क्या है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, एम क्या है, मालिक्यूलर मास, क्या है, मालिक्यूलर मास, मालिक्यूलर मास। एम के जो यूनिट होती है, मालिक्यूलर मास की जो यूनिट होती है, वो होता है किलोग्राम अपान किलोमोल, किलोग्राम अपान किलोमोल। तो जो आपका आर है, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर क्या होता है, आर होता है आर यू बाई एम। आर यू क्या था, 8.314 किलो जूल अपान किलो मोल इंटू केल्विन, और आपको मालिकुलर मास का भी यूनिट मिल गया। तो इन दोनों के यूनिट को आप लिखिए, आर यू का यूनिट क्या है बताओ ना, आर यू का यूनिट क्या है, किलो जूल अपान किलो मोल इंटू केल्विन, और एम क्या है आपका, किलोग्राम अपान किलो मोल, किलोग्राम अपान किलो मोल। देखो ये वीडियो आपको थोड़ा धीमा लगे ना, तो 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड में आप देखिए, तो किलो जूल अपान किलो मोल और किलोग्राम अपान किलो मोल। ओके, ये है आर यू की यूनिट और मालिकुलर मास की यूनिट। अब बताइए मालिकुलर मास कहिए या फिर वेट है, मालिकुलर वेट भी कह सकते हैं, मालिकुलर वेट। तो आपका आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की यूनिट आपकी आ जाएगी किलो जूल अपान किलो मोल, से किलो मोल कैंसिल हो गया, तो किलोग्राम इंटू केल्विन, किलोग्राम अपान केल्विन। आर की यूनिट क्या हो जाएगी, आर की यूनिट हो जाएगी आपकी किलो जूल अपान किलोग्राम, किलो जूल अपान किलोग्राम इंटू केल्विन। इस चीज़ को ध्यान में रख लेना, सिंपल है यार। आर क्या हो जाएगा, किलो जूल अपान किलोग्राम, मैं लिख देता हूँ साफ साफ, आर इज इक्वल टू किलो जूल अपान किलोग्राम इंटू केल्विन। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि करेक्टरिस्टिक गैस कॉन्स्टेंट की यूनिट क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि आर यू बाई एम होता है, आर यू की यूनिट पता होगी, और एम की, एम क्या होता है, मालिकुलर वेट या फिर मालिकुलर मास, वो होता है किलोग्राम अपान किलो मोल, किलोग्राम अपान किलो मोल। जब किलोग्राम अपान किलो मोल होता है, और पहले वाले का तो हमें पता है क्या होता, पहले वाले का, पहले वाला आपका क्या था, आर यू, आर यू की यूनिट पता है, तो आप दोनों को वैल्यू रखेंगे तो आर की यूनिट आ जाएगी, सिंपल है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। इसके अलावा एक और रिलेशन है, एन होता है, एन आपका क्या है, नंबर ऑफ मोल है, क्या है, नंबर ऑफ मोल है, एन आपका क्या है, नंबर ऑफ मोल, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल। तो एन और आपका एक और क्या था, एम, एम क्या था, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर वेट था। इनके बीच में एक रिलेशन है, रिलेशन क्या होता है, ये कैपिटल एम है, कौन सा एम है, कैपिटल एम, मॉलिक्यूलर वेट, थोड़ा सा थिकनेस कम कर लेते हैं। तो ये होता है एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपान मॉलिक्यूलर वेट, क्या होता है, मास अपान मॉलिक्यूलर वेट। मास क्या होता है, कैपिटल स्मॉल एम, और मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, कैपिटल एम। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम अपान कैपिटल एम। इस फार्मूले को ध्यान में रखना कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है मास अपान मॉलिक्यूलर वेट, मास अपान मॉलिक्यूलर वेट। इसके साथ आप दो चीज पढ़े होंगे कभी भी, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, ये क्या होता है, ये तो फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, 11th और 12th के फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ये सी पी क्या होता है, सी पी आपका होता है स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो सी वी क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम,
कांस्टेंट वॉल्यूम, आर क्या है आपका, आर वही है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट। तो इस रिलेशन को भी ध्यान में रखना, कई बार आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी इस रिलेशन की सहायता से। इसके अलावा एक और चीज़ होता है, वो क्या है उसको भी देखिए। ये होता है सी पी इज इक्वल टू गामा आर अपान आर माइनस वन। ये क्या होता है, सी पी क्या है स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट प्रेशर, और गामा क्या होता है, ये होता है स्पेसिफिक हीट रेशियो, ये होता है स्पेसिफिक हीट रेशियो, और जो आपका आर है कैपिटल आर, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। ओके, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले को ध्यान में रखिए, इसकी सहायता से आप कई क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब अगली प्रॉपर्टी की ओर हम देखते हैं। तो जो अभी हम रिलेशन पढ़े हैं, इन रिलेशन को आप ध्यान में रखिए, वीडियो को हो सके तो रिपीट कीजिए, यदि कहीं डाउट हो तो आपकी काफ़ी हेल्प होगी। अब हम आगे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे। जैसे हम बोले थे कि भाई लिक्विड की जो डेंसिटी होती है, लिक्विड की डेंसिटी प्रेशर एंड टेम्परेचर पर, प्रेशर एंड टेम्परेचर पर इफेक्ट नहीं होती, मतलब इनकम्प्रेसिबल फ्लूड होता है। तो क्या गैस इनकम्प्रेसिबल होता है, कंप्रेसिबल होता है? तो आपको पता है गैस कैसा होता है, गैस तो कंप्रेसिबल होता है। यदि गैस कंप्रेसिबल नहीं होता तो जो आपका एलपीजी का सिलेंडर होता है उसमें जो गैस भरी होती है वो कंप्रेस हम कैसे करते? तो गैस क्या होता है, कंप्रेसिबल फ्लूड है। कैसा फ्लूड है, कंप्रेसिबल फ्लूड है। तो जब कंप्रेसिबल फ्लूड है तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानना पड़ेगा कि प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा। इसके लिए एक रिलेशन हम बिल्डअप करेंगे, उस रिलेशन को देखिए। अभी अभी हम आपको बताए हैं कि पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू होता है एम आर टी, क्या होता है एम आर टी, पी वी इज इक्वल टू होता है एम आर टी। तो यदि वॉल्यूम को इस साइड हम ले जाए तो क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू एम अपान वी आर टी, मतलब क्या हुआ, पी बराबर रो आर टी, क्या हो जाएगा रो आर टी, पी इज इक्वल टू हो जाएगा रो आर टी। ठीक है, पी इज इक्वल टू हो गया रो आर टी। तो आप हमें एक चीज़ बताइए, टेम्परेचर और प्रेशर पर गैस की डेंसिटी का क्या इफेक्ट होगा? तो पहली कंडीशन तो हमें देखेंगे, यदि हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो, क्या हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो क्या होगा, जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आर क्या है अपना कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, तो ए भी कांस्टेंट होगा, तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रो, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रो, क्योंकि हम डेंसिटी के बारे में जानना चाहते हैं। किसके बारे में, डेंसिटी के बारे में। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट आर भी कांस्टेंट होगा, तो पी इज इक्वल टू क्या हुआ रो, मतलब क्या हुआ, जो डेंसिटी ऑफ गैस होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं कि जो डेंसिटी ऑफ गैस होता है, डेंसिटी ऑफ जो गैस होता है, डेंसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, क्या प्रेशर। आपको ऑब्जेक्टिव में स्टेटमेंट या क्वेश्चन देगा कि जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, प्रेफर के, तो डायरेक्टली होता है। मतलब क्या हुआ, यदि हम प्रेफर बढ़ाएंगे, प्रेफर को बढ़ाएंगे तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, किसकी डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी। यदि हम प्रेफर को डिक्रीज करेंगे तो हमारी जो लिक्विड की डेंसिटी है क्या होगी, डिक्रीज होगी, सिंपल सी बात यह है। तो हम बोल रहे हैं इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, लिखना क्या है कि इफ प्रेफर इंक्रीज देन डेंसिटी ऑफ गैस आल्सो इंक्रीज, इफ प्रेफर इंक्रीज देन डेंसिटी ऑफ गैस इज आल्सो इंक्रीज, इफ प्रेफर डिक्रीज देन डेंसिटी ऑफ गैस आल्सो डिक्रीज। तो ये चीज़ तो आई होप समझ में आ गई होगी, प्रेफर का क्या इफेक्ट होता है गैस की डेंसिटी पर। अब दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन ये है कि यदि हमारा
टेम्परेचर की बात करें, किसके टेम्परेचर की, तो यदि हमारा प्रेफर कांस्टेंट हो, क्या हो, प्रेफर कांस्टेंट हो, तो हम रिलेशन क्या पढ़े हैं, पी बराबर रो आर टी, पी बराबर क्या पढ़े हैं, रो आर टी। तो जब पी बराबर रो आर टी आप पढ़े हो, तो ये बताओ जब प्रेफर कांस्टेंट है तो आर भी कांस्टेंट होगा, क्या भी कांस्टेंट होगा, आर भी कांस्टेंट होगा, तो इसका तो पी भी कांस्टेंट हो गया, आर भी कांस्टेंट हो गया, मतलब वन इज इक्वल टू क्या बचा, रो टी, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वन बाई टी इज इक्वल टू रो, या रो इज इक्वल टू वन बाई टी, मतलब क्या हुआ, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, किसकी डेंसिटी है, लिक्विड की, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इसको चीज को लिख लेना कि नोट करके लिख लीजिए यार, बहुत हुआ कि डेंसिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के, प्रेफर के, यानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेफर, किसके, प्रेफर के, जबकि डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, किसके, टेम्परेचर को, टेम्परेचर के, मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर यदि आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर यदि आप बढ़ाएंगे तो डेंसिटी आपकी क्या होगी, कम होगी, यदि टेम्परेचर आप घटाएंगे तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इन पॉइंटों को आप बना बना के लिख लीजिए, आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है कि इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज डिक्रीज, इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इंक्रीज। तो हम यहाँ पर थर्ड पॉइंट करके लिख दिए हैं क्या होता है क्या नहीं होता, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम क्विकली रिविजन कर देते हैं। यहाँ से पी वी बराबर क्या होता है, एम आर टी, तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वाई वी आर टी, तो पी बराबर रो आर टी, क्योंकि रो क्या होता है, मास पर यूनिट वैल्यूम, और यहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो कुल मिला के बात यह है कि जो लिक्विड की डेंसिटी होती है प्रेफर एंड टेम्परेचर पर इफेक्ट नहीं होती, जबकि जो गैस की डेंसिटी होती है प्रेफर एंड टेम्परेचर पर इफेक्ट होती है, जो गैस की डेंसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रेफर के, और इनवर्सली होती है टेम्परेचर के, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी ऑफ गैस डिक्रीज होगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो डेंसिटी ऑफ गैस बढ़ेगा, सिंपल सी बात यह है। आपकी अगली प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इस चीज को नोट कीजिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखो जो भी पढ़ेंगे ना, सिंगल क्वेश्चन लटकने वाला, क्योंकि इस तरीके से पढ़ना है कि क्वेश्चन भी बन जाए, बहुत पार्ट पार्ट भी पढ़ लेंगे लेकिन बनेगा नहीं तो कोई मतलब नहीं। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, कॉलेज में नाम तो सुना होगा ना आपने, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ से, किस से, एफ से। एक तरीके से क्या होता है, डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, हम देखेंगे कैसे। तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूड, जिस फ्लूड की आप बात करेंगे, डेंसिटी ऑफ फ्लूड, डेंसिटी ऑफ फ्लूड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड, स्टैंडर्ड फ्लूड क्या है, वाटर, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फ्लूड, स्टैंडर्ड फ्लूड का वाटर, इस चीज को ध्यान रख लेना, स्टैंडर्ड फ्लूड क्या है, वाटर, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड, समझते हैं थोड़ा सा इसको। आपके पास इस कंटेनर में कोई फ्लूड भरा हुआ है, ये फ्री सरफेस है, ये कोई फ्लूड भरा हुआ है, इस फ्लूड की आप क्या निकालना चाहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, यू वांट टू फाइंड आउट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्लूड, और हमें क्या करना है, इसको निकालने के लिए
हमें वाटर की डेंसिटी पता होना चाहिए। किसकी? वाटर की, जो क्या होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जिसकी सहायता से हम निकाल लेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसकी हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होगी, डेंसिटी आप इस पर्टिकुलर फ्लूड की और वाटर की, इसकी सहायता से क्या निकाल लेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। दूसरी बात क्या, डेंसिटी क्या होती है एयर की, डेंसिटी एयर की जो होती है 1.21 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पॉइंट को आप कहीं साइड में लिख लेना नोट बना के। पहला पॉइंट क्या, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस, और डेंसिटी ऑफ एयर क्या है सेकंड पॉइंट 1.21 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसके बेसिस पर, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। और पहला है, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ किसी आयल का, किसी आयल का आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया ग्रेविटी किसका दिया हुआ है, कोई आयल है, कोई भी आयल लगता है जिसका 0.96, 0.96 क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो हमें क्या निकालना है इसमें, हमको निकालना है इस पर्टिकुलर आयल की डेंसिटी, क्या निकालना है इस पर्टिकुलर आयल की डेंसिटी यानी रो निकालना है। कैसे निकालेंगे, फार्मूला क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूड, जिस फ्लूड की डेंसिटी की आप बात करेंगे यानी डेंसिटी ऑफ आयल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आपको क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है कितनी 0.96। आयल की डेंसिटी निकालना चाहे तो डेंसिटी ऑफ आयल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1000, तो ये कितना हो जाएगा डेंसिटी ऑफ आयल 0.96 यानी कितना हो जाएगा 960। डेंसिटी ऑफ आयल कितना हो जाएगा 960 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। यदि मान लीजिए एक एग्जांपल की और हम बात करें, सेकंड एग्जांपल आपका जो है एग्जांपल नंबर 2, उसमें आपको दिया हुआ है मरकरी की डेंसिटी दी हुई है, मरकरी की डेंसिटी नहीं स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है 13.6, कितनी दी हुई है 13.6 सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है आपको मरकरी का। आपको निकालना है मरकरी का क्या, मरकरी का क्या निकालना है डेंसिटी। तो कैसे निकालेंगे, फार्मूला होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूड यानी मरकरी यहाँ पास है अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 और Hg अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर 1000। तो जब 1000 से मल्टीप्लाई होगा यानी डेंसिटी ऑफ जो मरकरी निकल के आएगी वो कितना होगा 13.6 इंटू 1000 यानी डेंसिटी ऑफ मरकरी कितना हो जाएगा 13600, 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को आप आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, जिस पर्टिकुलर फ्लूड की, जिस फ्लूड की आप स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना चाहते हैं तो उस फ्लूड की डेंसिटी पता होनी चाहिए, इसके अलावा आप निकाल लेंगे बहुत आसानी से। तो आप यहाँ पास बताइए इसकी डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन पे थोड़ा बात करते हैं। डायमेंशन क्या होगा, देखो ए भी डेंसिटी है, ऊपर भी नीचे भी डेंसिटी, तो डेंसिटी की जो यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऊपर होगा और नीचे किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये डायमेंशन लेस। तो इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट क्या होता है, यूनिट लेस होता है ना, इसकी यूनिट क्या होती है यूनिट लेस, क्योंकि दोनों ऊपर और नीचे दोनों क्या है सेम है, इसलिए क्या होगा यूनिट लेस। इसकी डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन भी क्या होगी, जब यूनिट लेस है तो क्या हो जाएगा कुछ भी नहीं होगा, एम नॉट एल नॉट और टी नॉट इस तरीके से लिख सकते हैं। जब कुछ ही नहीं है तो पावर में क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एम एल टी, लिख सकते हैं कुछ भी नहीं तो जीरो जीरो कर देंगे और क्या। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी आपकी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है स्पेसिफिक वेट, वेट डेंसिटी या फिर यूनिट वेट। तो हेडिंग बनाइए थर्ड प्रॉपर्टी की,
थर्ड प्रॉपर्टी आपकी क्या है, वो है आपकी स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट, या फिर इसको हम लिख सकते हैं वेट डेंसिटी, यूनिट वेट, वेट डेंसिटी या फिर यूनिट वेट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं गामा से, किससे, गामा से। इस चीज को ध्यान रख लेना, स्पेसिफिक वेट, वेट डेंसिटी या फिर यूनिट वेट, तीनों एक ही नाम है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ जिस पर्टिकुलर चीज का, जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस का आप स्पेसिफिक वेट निकालना चाहते हैं, तो उसका क्या निकालेंगे, पहले वेट, क्या निकालेंगे, वेट और उसका वॉल्यूम। वेट और वॉल्यूम निकालने के बाद, मतलब ये आपका फ्लूड है, ये फ्लूड है, फ्लूड क्या है? इस वाटर का क्या करेंगे, हम निकालना चाहते हैं स्पेसिफिक वेट, क्या निकालना चाहते हैं, स्पेसिफिक वेट यानी गामा निकालना चाहते हैं। पता होना चाहिए कि वाटर का वेट कितना है, कितना वाटर का वेट है, और इस कंटेनर का जितना वॉल्यूम होगा उतना वाटर का वॉल्यूम होगा। सिंपल से मान लीजिए फुल कंटेनर भरा हुआ है, फिर इसमें मार्किंग होगी, उसकी सहायता से हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। ओके, मान लीजिए यहाँ पास मार्किंग है, ये बड़ा सा कंटेनर है, तो यदि इसमें लिखा हुआ कि यदि यहाँ पास होगा तो 1 मीटर क्यूब, यहाँ तक फिलअप होगा तो 2 मीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 1 मीटर क्यूब, और इसका वेट, वेट और वॉल्यूम को डिवाइड कर दीजिए, वेट और वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, स्पेसिफिक वेट। सिंपल है, इमेजिन करके थोड़ा पढ़िए, इमेजिन करके कि आपके पास कोई लिक्विड है, उस लिक्विड का आपको वेट भी पता है, वॉल्यूम भी पता है, तो स्पेसिफिक वेट आप निकाल सकते हैं। तो आप ये बताइए इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे, गामा इज इक्वल टू वेट क्या होता है, एमजी, तो यहाँ पास एक चीज समझ में आ रही होगी, कुछ हम अच्छा सा कर सकते हैं, यहाँ पास क्या कर सकते हैं, गामा इज इक्वल टू क्या है, एम जी यानी वेट ऑफ सब्सटेंस अपन वॉल्यूम, यानी एम अपन वी इंटू जी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एम अपन वी क्या होता है आपका, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी यानी रो, गामा बराबर क्या, गामा बराबर क्या हो जाएगा, रोजी, मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट इनटू जी, जी यानी ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, ये हो गया फार्मूला। अब इसकी सहायता से थोड़ा सा और कुछ करते हैं, बाई बराबर यानी गामा इज इक्वल टू क्या लिखा है, गामा है ना, गामा इज इक्वल टू रोजी, तो गामा इज इक्वल टू रोजी, इसकी यूनिट थोड़ा सा डिराइव करते हैं, कैसे निकालेंगे भाई, इसकी डायरेक्ट यूनिट तो बनेगी नहीं, थोड़ा सा इसमें कुछ काम करना पड़ेगा। देखो ये क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वैल्यूम, यानी मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कुल मिला के बात क्या है, एक्सेलरेशन है, क्या है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, एक्सेलरेशन यानी होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी वेलोसिटी अपॉन होता है, क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, यार इतना तो बनता है ना, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम, तो लेंथ अपॉन टी का स्क्वायर यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पास लिख देंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो गामा इज इक्वल टू कितना हो गया, गामा इज इक्वल टू हो गया आपका किलोग्राम पर क्यूब इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
तो यहाँ पास देखिए थोड़ा सा, ये मीटर से मीटर कट जाएगा एक ठो, तो कितना हो जाएगा, किलोग्राम अपान मीटर स्क्वायर स्क्वायर, तो एग्जाम में यूनिट आती है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। एग्जाम में यदि यूनिट आती है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये किसमें है, एम के एफ में है, किसमें है, स्पेसिफिक वेट की जो यूनिट है किलोग्राम अपन मीटर स्क्वायर इंटू 1/s2। डायरेक्ट याद कर लो या फिर डिराइव करना सीख लो, सिंपल है। आप न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़े हैं, पढ़े तो होंगे ना, क्योंकि आप तो भाई। होता है एफ, क्या होता है आपका फोर्स, क्या होता है फोर्स, एम क्या होता है मास, ए क्या है एक्सेलरेशन, लिख देते हैं क्या होता है एफ इज इक्वल टू, एफ की यूनिट क्या होती है फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, तो न्यूटन इक्वल टू मास को क्या लिख देंगे किलोग्राम में, और एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यार न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि कहीं ये चीज लिखी हुई है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम क्या लिख देंगे न्यूटन। तो एक चीज तो समझ में आ रही है। हाँ यार यहाँ पास तो लिखा हुआ है किलोग्राम, यहाँ पास एक मिनट देखिए, 1 सेकंड, जो ऊपर वाला ये चीज लिखा हुआ है ना, इसको हम यहाँ लिख रहे हैं। गामा इज इक्वल टू क्या लिखा था, किलोग्राम मीटर क्यूब इंटू मीटर अपान सेकंड स्क्वायर। तो एक कमाल के चीज निकल के आने वाली है, बस आप देखिए थोड़ा सा, किलोग्राम इंटू मीटर अपान सेकंड स्क्वायर, जो हम पहले यहाँ पास देख रहे हैं ये वाली चीज़ यहाँ पास हमको दिख रही है, तो दिख रही है तो वैल्यू पुट कर दो, क्यों देरी कर रहे हो। ये क्या हो जाएगा न्यूटन अपान मीटर क्यूब, न्यूटन अपान मीटर क्यूब, यानी स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू न्यूटन अपान मीटर क्यूब, न्यूटन अपान मीटर क्यूब, यानी फोर्स अपान वैल्यूम, फोर्स अपान वैल्यूम हो जाएगा। स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपान वैल्यूम, यानी क्या है फोर्स की यूनिट है मीटर क्यूब वैल्यूम की है, तो इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने इसको बता दिया यहाँ पास। अच्छा ये तो थोड़ा सा डेरिवेशन था कि आपको यदि कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन अभी मुद्दे की बात है, डायमेंशन इसके निकालिए, क्या निकालेंगे आप, डायमेंशन, डायमेंशन निकाल दीजिए एमएलटी सिस्टम में, एमएलटी सिस्टम, ये क्या है एल है ना, 1 मिनट, एमएलटी सिस्टम है किसमें, एमएलटी होती होता क्या, बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं एमएलटी सिस्टम की। तो आप ये बताइए सिंपल सी चीज, हमें इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, गामा इज इक्वल टू होता है मीटर क्यूब, और ये न्यूटन क्या है, न्यूटन क्या है फोर्स की यूनिट है, यानी एफ किलोग्राम अपान किलोग्राम इंटू मीटर अपान सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पास लिख लीजिए थोड़ा सा, आपके लिए आसानी हो जाएगी, गामा इज इक्वल टू न्यूटन की यूनिट क्या होगी, ए वाली, किलोग्राम इंटू स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे, आप इसको हल कीजिए, हल कैसे करना है, किलोग्राम क्या लिख सकते हैं कैपिटल एम इंटू मास को लेंथ, सेकंड स्क्वायर टाइम है ना, टाइम स्क्वायर अपान क्यूब, एल का क्यूब, तो कितना हो जाएगा ये आपका, गामा इज इक्वल टू 1 मिनट, गामा इज इक्वल टू ए हो जाएगा आपका एम, और एक एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो एल की पावर -2 और टी की पावर -2। इम्पोर्टेंट है इसी चीज के लिए हम इतना करना पड़ा हमको, गामा इज इक्वल टू एम एल की पावर -2 टी की पावर -2, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन इसलिए मैं करवा रहा हूँ। डेरिवेशन क्या, डायरेक्ट आप कुछ भी दे सकता है यार, कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे देगा, तो आपको बनेगा तो आप कर लेंगे। ओके अब अगली यूनिट है आपकी, अगली जो यूनिट क्या, फ्लूड की जो प्रॉपर्टी है
वो प्रॉपर्टी बड़ी कमाल की है, उसकी हम बात करेंगे। वो है कंप्रेसिबिलिटी। वो क्या है? कंप्रेसिबिलिटी। अभी तक हम दो तीन तीन चीज़ पढ़ चुके हैं, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी या फिर यूनिट वेट, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, जो फ्लूड की प्रॉपर्टी है। दोनों रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, यानी गैस के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे और वाटर के रिस्पेक्ट यानी लिक्विड के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि फ्लूड में दोनों चीज़ें आती हैं। तो इसको लिख लीजिए आप, कंप्रेसिबिलिटी। हेडिंग बनाइए कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या है? कंप्रेसिबिलिटी। ये कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? थोड़ा नाम समझ में आ रहा है, मतलब कंप्रेस है, हमको किसी चीज को कंप्रेस करना है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। किससे? बीटा से। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? एक जनरल लैंग्वेज में देखें तो जिसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, जिसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? ये होता है बीटा इज इक्वल टू 1/K। थोड़ा समझेंगे इसको क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में, देहाती लैंग्वेज में, ताकि आपको फीलिंग आ जाए। देखो, बीटा इज इक्वल टू 1/K। के आपका क्या है? बल्क मॉडुलस। क्या है? बल्क मॉडुलस ग्रेविटी। तो डिफिनेशन क्या बनेगी कि जो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इस डिफिनेशन को थोड़ा सा लिख लीजिए, इसके बाद में इसको एक्सप्लेन करते हैं। क्या डिफिनेशन बनेगी? थिकनेस तो चेंज कर लें यार। इट इज द मैंने काम क्यों नहीं कर रहा है? रेसिप्रोकल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये डिफिनेशन है, मतलब क्या है? रेसिप्रोकल बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी का। सिंपल तरीके समझते हैं, जब हम किसी चीज़ को कंप्रेस करते हैं यानी दबाते हैं, तो जब उसको दबाते हैं तो उसके अगेंस्ट, उसको ना दबने की एक प्रॉपर्टी होती है। उसको हम दबा रहे हैं लेकिन उसके अंदर एक ताकत है, उसके अंदर एक रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से वो चीज़ दब नहीं रही है, उसी को बोलते हैं बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस क्या होता है? एक तरीके का रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस। क्या होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? हम जब किसी चीज में कोई काम कर रहे हैं और उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा हो, उसकी कोई ताकत होगी, मतलब जैसे दीवार पे आप दीवार पे धक्का दे रहे हैं लेकिन उसके अंदर एक रेजिस्टेंस है जो उस आपको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, वही होता है बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस क्या होता है? एक रेजिस्टेंस होता है जो किसी चीज को कंप्रेस होने से बचाता है, यानी कंप्रेस नहीं होने देता, उसके अंदर एक ताकत होती है। तो दोनों अपोजिट हैं। कंप्रेसिबिलिटी क्या है? किसी चीज़ को कंप्रेस करना। जब हम किसी चीज़ को कंप्रेस करते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, यानी एक रेजिस्टेंस पैदा होता है। रेजिस्टेंस होता ही है, उसके अंदर ही होता है, इनसाइड में होता है, जो कंप्रेस नहीं होने देता। तो बीटा बराबर क्या होता है? 1/K। अब के क्या है? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। के क्या है आपकी? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भाई? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा आपका फोर्स अपान एरिया। फोर्स अपान होता है, फोर्स होता है न्यूटन होता है एरिया। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा? बीटा बराबर 1/K, 1/N। तो क्या लिख सकते हैं इसको? बीटा इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज बताइए कि 1 पास्कल बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन पर मीटर। 1 पास्कल बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 मिनट और।
एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, पास्कल, यानी बीटा इज इक्वल टू वन अपॉन पास्कल, यानी बीटा की यूनिट क्या होती है, पास्कल इनवर्स। यहाँ पे एफ एस पी जेई में क्वेश्चन आया हुआ, किसमें, एफ एस पी जेई में, अभी हम आपको दिखाएंगे क्वेश्चन में, बीटा इज इक्वल टू पास्कल का इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, पास्कल इनवर्स। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यार मतलब क्या हुआ, बीटा बराबर वन बाई के, कहने का मतलब क्या हुआ, बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। अब समझो इसको क्या होता है, थोड़ा सा आपको हम बता रहे हैं, समझ में तो आ जाए एक बार। ए आपका क्या है, के, यदि हमारा रजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कंप्रेसिबिलिटी कम दबेगी नहीं, यानी के क्या है आपका बल्क मॉडुलस, यानी रजिस्टेंस है, तो यदि बल्क मॉडुलस ज़्यादा होगा तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, कम होगी। बल्क मॉडुलस कम होगा तो कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा दबेगी। तो इस चीज़ को आप नोट करके लिख लो, मैं बोल रहा हूँ, यदि बल्क मॉडुलस ज़्यादा होगा तो कंप्रेसिबिलिटी कम होगी, यदि बल्क मॉडुलस कम होगा तो कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने लिख समझा दिया है, बल्क मॉडुलस ज़्यादा तो कंप्रेसिबिलिटी कम, बल्क मॉडुलस कम तो कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा। मान लीजिए कोई सिलेंडर है, सिलेंडर ही बना रहे हैं, मानने की बात क्या है, एक सिलेंडर बना रहे हैं, सिलेंडर भरी हुई है, गैस भरी हुई है, इस सिलेंडर में क्या भरी हुई है, गैस, इस सिलेंडर में, ये तो आपका पिस्टन है, क्या है, पिस्टन है, भरी हुई है, कर रहा है, ये क्या भरी हुई है, भरेंगे, सिलेंडर है, ये क्या है, सिलेंडर है, इस सिलेंडर में गैस भरी हुई है जिसका वॉल्यूम वी है और इसमें जो प्रेशर लग रहा है वो पी लग रहा है, इसका प्रेशर पी है, वॉल्यूम वी है, वी क्या है, वॉल्यूम, पी क्या है, इसका प्रेशर। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, तो जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पहले हमारे पी प्रेशर लग रहा था सिलेंडर में, थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज कर दे, पी 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 कर देंगे, तो जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, उसको देखिए, जब प्रेशर को हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, अब प्रेशर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, पहले पी प्रेशर लग रहा था, अब क्या, पी पी लग रहा है, तो यहाँ पर इस सिलेंडर का जो वैल्यूम था वो कितना हो जाएगा, वैल्यूम में कमी आएगी, वैल्यूम कितना हो जाएगा, प्रेशर हमने बढ़ा दिया, पी प्लस डी पी कर दिया, डी पी अमाउंट से प्रेशर बढ़ाएंगे तो वैल्यूम क्या होगा, कम होगा, वी माइनस डी वी हो जाएगा। पहले वैल्यूम कितना था, पहले वाले केस में वैल्यूम कितना था, वी था, अब वैल्यूम कितना हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, वी माइनस डी वी हो जाएगा। अब देखो जब प्रेफर आप बढ़ा रहे हो तो वैल्यूम कम हो रहा है, मतलब क्या हुआ, उसकी डेंसिटी बढ़ रही है, प्रेफर बढ़ा रहे हैं तो वैल्यूम कम होगा, वैल्यूम कम होगा तो उसकी डेंसिटी बढ़ेगी। तो यदि हम निकालें चेंज इन प्रेफर, क्या निकालें, चेंज इन प्रेफर, चेंज इन प्रेफर, प्रेफर में क्या चेंज आया, तो कैसे निकालेंगे हम, प्रेफर में चेंज निकालने के लिए फाइनल प्रेफर कितना है, प्रेफर, तो फाइनल प्रेफर कितना था आपका, फाइनल प्रेफर था फाइनल प्रेफर कितना था, पी प्लस डीपी, पी प्लस डी पी
जब प्रेफर बढ़ा दिए फाइनली कितना होगा था पी प्लस डी पी, तो कितना हो जाएगा, ये आएगा आपका डी पी, चेंज इन प्रेफर डी पी, और चेंज इन वैल्यूम कितना हो जाएगा, चेंज इन वैल्यूम यानी क्या हो जाएगा, फाइनल वैल्यूम माइनस इनिशियल वैल्यूम, फाइनल वैल्यूम माइनस इनिशियल वैल्यूम। तो फाइनल वैल्यूम कितना है आपका वी माइनस डी वी, और इनिशियल वैल्यूम कितना था, वी था आपका। भाई वैल्यूम हमने प्रेफर बढ़ाया तो वैल्यूम क्या हुआ था, रिड्यूस हो गया था, वी से वी माइनस डी वी हो गया था, इनिशियल वैल्यूम कितना था, तो कितना डी वी माइनस डी वी, आपका जो वैल्यूम है फाइनल वैल्यूम वो कितना था, वी माइनस डी वी, इनिशियल वैल्यूम वी था, तो चेंज इन वैल्यूम कितना आया माइनस डी वी। तो आप हुक फुला पढ़े होंगे इफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, कौन फला पढ़े हैं, हुक फुला, बाई हुक फुला, बाय हुक फुला। हुक फुला क्या कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस को दर्शाते हैं सिग्मा पे, स्ट्रेन को फुला पे। तो यहाँ पास जो सिलेंडर है, सिलेंडर में जो प्रेफर हम लगा रहे हैं, यानी स्ट्रेस के रूप में क्या काम कर रहा है, प्रेफर, तो प्रेफर जो काम कर रहा है पूरे वॉल्यूम पे काम कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या है, प्रेफर है आपका कितना था डी पी, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है कहीं साइड में लिख लीजिए यहाँ पास, स्ट्रेन क्या होता है, लेंथ, लेंथ कितनी है आपकी माइनस डी वी, लेंथ कितनी की बात हो रही है, स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन वैल्यूम अपन ओरिजिनल वैल्यूम माइनस डी वी अपन वी, माइनस डी वी अपन वी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस डी वी अपन वी, है ना। यदि हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या आएगा, डी पी इज इक्वल टू, इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आता है वो है के, माइनस का के है, क्योंकि ये के क्या है आपका, वो तो कमाल की चीज है यार, बल माइनस प्रोपोर्शनलिटी, के क्या है आपका, मॉडुलस बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या है इलास्टिसिटी। डीपी बराबर क्या आया, माइनस के डी वी अपान वी, इस चीज को यहाँ लिख रहे हैं, डी वी माइनस के डी वी, भूल भी जाए ना तो ये क्या है, वी है, वैल्यूम है, क्या है, वैल्यूम है, तो माइनस डी वी अपान वी, अर्थात के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डी वी अपान वी अपान प्रेफर, प्रेफर में कितना चेंज मारे, मारने पर वैल्यू में क्या चेंज आ रहा है, मतलब क्या हुआ, एक रिलेशन बिल्डअप हुआ, के इज इक्वल टू माइनस डी वी अपान डी पी, डी पी क्या चेंज इन प्रेफर है, वी क्या ओरिजिनल वैल्यूम है सिलेंडर का, और डी वी क्या है चेंज इन वैल्यूम है, लिख लो इस चीज को, माइनस डी वी क्या है चेंज इन वैल्यूम है, वी क्या है ओरिजिनल वैल्यूम सिलेंडर का, और डी पी क्या है चेंज इन प्रेफर है। तो के बराबर कितना हुआ, माइनस डी वी अपॉन डी पी, तो आपको पता है कि बीटा बराबर क्या होता है, वन बाई के, तो जो भी है चीज, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, वन बाई माइनस डी वी अपॉन वी अपॉन डी पी, कितना आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू डी पी अपॉन माइनस डी अपॉन वी, माइनस डी अपॉन, ये आपका बीटा बराबर आ जाएगा।
1 मिनट। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि dp बराबर माइनस के अपॉन dv अपॉन v था, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dp अपॉन a। थोड़ा सा अपोजिट हो गया है यहाँ पास। 1 मिनट, थोड़ा सा आप इसको यहाँ से सुधार, मतलब थोड़ा सा देख लीजिए dp बराबर कितना था। 1 मिनट, dp बराबर क्या था, माइनस के dv अपॉन v, कितना होता dp अपॉन माइनस dv ए वाला है। तो बीटा क्या होता है, 1 बाई के। बीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई के, मतलब क्या हुआ, बीटा बराबर हो जाएगा 1 अपान dp अपान माइनस dv अपान v। तो इसको क्या लिख सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू माइनस ये दो फार्मूले हैं जो आपकी लाइफ को सेट कर देंगे। मतलब क्या हुआ मतलब ये है कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, तो इन दोनों फार्मूलों को ध्यान में रख लेना। तो ये रिलेशन आपको समझ में आया होगा। वीडियो की लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो रही है, फिर भी थोड़ा देख लीजिए। ओके, एक कंप्रेसिबिलिटी की बात हम कर रहे थे, दो रिलेशन बिल्डअप हुए हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ओके, एक डेरिवेशन है जो कि हम आपको डिराइव नहीं करवाएंगे, आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, उससे आपके ही फायदा है। आपको क्या फायदा है कि आपका टाइम कम लगेगा, डेरिवेशन कभी एग्जाम में आता नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, उसको ध्यान में देखिए। क्या है कि कंप्रेसिबिलिटी से रिलेटेड है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी लिक्विड की, क्या होगी गैस की, इस चीज़ के लिए थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं। फार्मूला पहला है कुछ नहीं, बीटा इज इक्वल टू, बीटा क्या है आपका कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी इक्वल टू होता है क्या है, डेंसिटी है किसकी, सिलेंडर में जो गैस भरी हुई थी। डी डीरो क्या है, चेंज इन डेंसिटी, डेंसिटी में कुछ चेंजेस आएगा, जब प्रेशर लगाएगा तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और डीपी क्या है, चेंज इन प्रेशर। तो इस चीज को आप लिख लो। रो क्या है आपकी, डेंसिटी। तो जब बीटा बराबर होता है 1 बाय रो d रो अपॉन dp, तो के क्या हो जाएगा, के यानी बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा d अपॉन d रो। तो ये फार्मूले भी बहुत काम के हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना। एक याद कर लेना, एक तो अपोजिट होता है, आपको ध्यान में भी रहेगा। आप मेरे को बताओ, इस फार्मूले की सहायता से, इस फार्मूलों की सहायता से आप हमें बताओ बीटा का मान किसके लिए, लिक्विड के लिए और गैस के लिए। चलो बताओ, कौन बताएगा, कौन बताएगा। चलो हम थोड़ा देख लेते हैं, नोट बनाइए, नोट तो बहुत सारे नोट आप क्या है, 1 बाय रो d रो अपॉन dp, यानी बीटा बराबर है 1 बाय रो d रो अपॉन dp। अब बताओ जो डी रो लिखा हुआ है, जो डी रो लिखा हुआ है, तो डी रो क्या है आपका, लिक्विड की डेंसिटी होती चेंज ही नहीं होती, लिक्विड की डेंसिटी चेंज ही नहीं होती, चाहे आप प्रेशर बढ़ाओ चाहे टेम्परेचर। लिक्विड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूड है, लिक्विड क्या है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूड। तो डीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, डीपी पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, जीरो। यानी कंप्रेसिबिलिटी का मान लिक्विड के लिए क्या होता है, जीरो होता है। तो आप लिखना चाहो तो लिख लो, कंप्रेसिबिलिटी का मान लिक्विड के लिए जीरो होता है, ठीक है। अब बीटा बराबर जब जीरो आ गया, तो आपको पता है कि बीटा बराबर क्या होता है, 1 के, तो आउटपुट करो
थर्मामीटर होता है इनफाइनाइट, समझो इन दोनों स्टेटमेंट स्टेटमेंट को अच्छे से, तब जाके बात बनेगी। देखो अब बताओ मेरे को, हम लिक्विड की बात कर रहे थे यार, किसकी? लिक्विड की। तो लिक्विड के केस में कंप्रेसर का मान जीरो होता है, जीरो हुआ कि जो आपका लिक्विड है वो कंप्रेस ही नहीं हो रहा है, उसके बहुत ज्यादा बल्क मॉडुलस है, इनफाइनाइट है, अनंत है, उसकी रेजिस्टेंस अनंत है, उसको हम कंप्रेस कर ही नहीं पा रहे हैं। ये चीज कहना चाहता है आपका जो दो इक्वेशन है, वोल्टेज इक्वल टू जीरो होता है लिक्विड के लिए, अब थोड़ा सा बात करते हैं गैस के लिए, किसके लिए? गैस के लिए है, जो गैस की डेंसिटी होती है चेंज होती है, डीरो क्या होता है चेंज होता है, क्या चेंज इन डेंसिटी है ना, चेंज इन डेंसिटी, किसकी डेंसिटी है यहाँ पास? गैस की डेंसिटी है, तो हम प्रेशर बढ़ाए तो गैस की डेंसिटी क्या हुई थी? प्रेशर बढ़ाए तो डेंसिटी बढ़ गई थी, क्योंकि वॉल्यूम क्या हुआ था? कम हो गया था, डेंसिटी चेंज होती है, अब कितने अमाउंट से होती है वो पता नहीं, वो हम देखेंगे जब निकालेंगे तब। तो डेंसिटी क्या हो जाएगा आपका? जीरो के बराबर नहीं होगा, डेंसिटी होती है जीरो के बराबर नहीं होगी, डेंसिटी जीरो के बराबर नहीं होगी तो बीटा का मान कितना होगा? इज नॉट इक्वल टू जीरो, में जो कंप्रेसिबिलिटी होता है और बल्क मॉडुलस होता है जीरो के बराबर नहीं होता। तो आई होप आज का जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा, यदि कोई डाउट है, किसी भी तरीके की कोई इंक्वायरी है, तो आप क्या करेंगे उस इंक्वायरी के लिए, देखिए आज के लेक्चर में हम फ्लूइड की प्रॉपर्टी देखे हैं, कुछ प्रॉपर्टी देखे हैं, और जो अगली प्रॉपर्टी आने वाले लेक्चर में देख लेंगे लेक्चर नंबर 3 में। तो लेक्चर 2 आज का कंप्लीट हुआ, इनके क्वेश्चन आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम कर लेंगे, फिर इसके बाद अगली प्रॉपर्टी देखेंगे, विस्कोसिटी वगैरह, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, वो चीज़ें। आपको लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, यदि कोई डाउट है, कोई इंक्वायरी है, तो 9340 आप कॉल करते हैं, नहीं पढ़े हुए हैं मतलब कुछ भी नहीं जानते, FFJ क्या होता है थोड़ा बहुत जानते हैं, मतलब अप लेवल कर इस बैच की जो फीस है बहुत कम रखी गई है, आप